नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने चैनल पर टैली के कंप्लीट कोर्स का सीरीज़ लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, आप सब लोगों का बहुत सारा कमेंट और बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि सर प्लीज़ टैली का कंप्लीट सीरीज़ बताइए, डीसीए का कंप्लीट सीरीज़ बताइए। तो मैं सबको आप सबको सबसे पहले तो गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आप सबके अपने चैनल पर आप सबके लिए टैली का कंप्लीट सीरीज़ मैंने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं तो आप यहाँ पर लाल कलर के एक सब्सक्राइब बटन को देख रहे होंगे। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक जो बेल आइकन है इसे दबा देना है। इससे होगा क्या, इससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर किसी ने आपको ये वीडियो शेयर किया है और तब आप इसे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। आपको इस पर क्लिक करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको हमारे कंप्लीट कोर्स की डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ये जो चैनल है टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन, इसके नाम पर या फिर इसके लोगो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टैली कम्प्लीट कोर्स का ये हर सीरीज़। तो इसमें फिलहाल मैंने भी 8 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आप इन सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। और देखने के बाद आपको मैं डेफिनेटली ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप घर बैठे अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फिर घर बैठे अगर डीसीए टैली सीख करके कहीं भी पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटिंग का जॉब करना चाहते हैं या फिर डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, तब तक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके जाएँ। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक वो कंप्लीट टैली से सीरीज़ का है और मैंने इसका कंप्लीट सीरीज सिलेबस का भी वीडियो बना करके अपलोड किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लें। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो मेन फ्रेम्स ऑफ टैली है इसका चैप्टर 6 जो कि है स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है। तो स्टॉक एडजस्टमेंट क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा लाइन में आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट सेल करती है, प्रोडक्ट यानी कि वो कुछ खरीदती है और कुछ बेचती है, तो उसे क्या करना होगा। अगर वो कंपनी चाहती है कि मैं अपने बिजनेस का डिजिटल अकाउंटिंग मेंटेन करूँ, यानी कि हम मुझे एक क्लिक पे ये पता होना चाहिए कि मेरे शॉप में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, मेरे गोडाउन में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, तो अगर आपको उन सारी चीज़ों का रिपोर्ट चाहिए तो आप विदाउट स्टॉक एडजस्टमेंट वो चीज़ नहीं कर सकते। और टैली में इसका सबसे खास बात यह है कि टैली आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएगा कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट कितने पीस है, वो पीस कब आया था और कब कब आपने वो प्रोडक्ट को सेल किया। तो वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में अगर किसी तरह के डाउट्स है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो स्टॉक एडजस्टमेंट इन टैली इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एक सिंपल सा चीज़ पढ़ना है जीओटी में इन्वेंट्री इन्फो। अब आप बोलेंगे सर ये इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है, तो इन्वेंट्री इन्फो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप टैली में पहले कभी काम किए हैं तो बढ़िया है और अगर नहीं किए हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए आज के गेम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, चूँकि क्योंकि अभी तक हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे टैली 7.2 में थे, तो मैं फिलहाल टैली 7.2 के ही वीडियोस को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका ERP 9 का भी पार्ट अपलोड करूँ तो कमेंट में आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका इस वीडियो का ERP 9 का भी पार्ट आप सबके लिए ला दूंगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो में 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं बहुत जल्द इसका ERP 9 का पार्ट भी अपलोड करूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि टैली 7.2 में किस तरीके से आप अपने स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास कंप्यूटर है तो आप बड़े ही आसानी से अपने बिजनेस की अकाउंटिंग टैली में कर सकते हैं, ठीक है। तो टैली में कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन वगैरह ये सब चीज़ें होती है, तो इन सबके वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएँ और टैली के कंप्लीट सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं स्टॉक एडजस्टमेंट, इसके लिए आपको जीओटी में आना है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जीओटी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टैली में कोई भी काम करने से पहले आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अकाउंट्स इन्फो के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने लेजर में कुछ लेजर क्रिएट किए थे, जैसे कि कुछ डेटर के, कुछ क्रिएटर के और CGST SGST वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री इन्फो, यानी कि इन्वेंट्री इन्फो में हमें चार चीज़ें पढ़नी है। आप देख सकते हैं आपका जो नोट्स है उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है और आपको ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है, आप उसको क्लिक करें और इस नोट्स को डाउनलोड करें, इसे अपने कॉपी में लिखें और फिर इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और चैप्टर के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको
प्रोजेक्ट वर्क या होमवर्क भी मिलेगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और तब भी अगर आपको किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन है तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्टॉक एडजस्टमेंट। तो स्टॉक एडजस्टमेंट क्या होता है, इसकी मदद से हम लोग अपने शॉप में स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक एडजस्टमेंट में हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वॉचर टाइप्स जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग को तीन चीज़ पढ़ना है, स्टॉक ग्रुप, यूनिट, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जैसे सैमसंग, तो सैमसंग क्या है, सैमसंग एक कंपनी है, तो जितने भी कंपनी होंगे सारे स्टॉक ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से डाबर, तो डाबर भी एक कंपनी है, तो सारे कंपनी को हम लोग स्टॉक ग्रुप में डालेंगे। बिस्किट, अब बोलेंगे सर बिस्किट तो कंपनी नहीं है, तो बिस्किट कंपनी इसलिए नहीं है क्योंकि बिस्किट बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। तो अगर आप बिस्किट को एज अ स्टॉक ग्रुप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास बहुत कंपनी के बिस्किट है। उसी तरीके से यहाँ पर फेस वॉश लिखा हुआ है, तो आपके पास बहुत तरीके का फेस वॉश है, जैसे पतंजलि का है, डाबर का है, आयुर का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। तो आपको सिर्फ फेस वॉश पर क्लिक करना है, आपको वो चीज़ बता देगा कि आपके पास कौन कौन कंपनी का कितना कितना फेस वॉश है। फॉर एग्जाम्पल आप का बर्तन का शॉप है, ठीक है, तो आपके आप क्या करते हैं, आप कुकर सेल करते हैं, तो कुकर आपका पिजन का भी आता है, कुकर आपका हॉकिंस का भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार में एक क्लिक में बता देगा। और टैली का सिंपल रूल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि टैली आपको वही बताता है जिसके बारे में आप टैली को बताते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा है J2 का मतलब हो गया सैमसंग का J2 मॉडल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका स्टॉक आइटम हो गया। हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक आइटम का मतलब मॉडल नंबर, या फिर आप उस प्रोडक्ट को किस नाम से जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर है DCP का मतलब डाबर च्यवनप्राश 1 kg, तो ये मेरा प्रोडक्ट का नाम हो गया। उसी तरीके से ब्रिटानिया 50 ग्राम, उसके बाद है PTFW मतलब ऑफकोर्स पतंजलि का फेस वॉश ऑरेंज, और वो मतलब ऑरेंज, और 150 ग्राम का है जिसकी MRP 60 रुपये है। तो ये मेरा क्या है, ये सब स्टॉक आइटम हो गया, ये सब हम लोग बना करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे PCS यानी कि पीसेस। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे KG हो गया, केस हो गया, फिर जाके डजन हो गया, लीटर हो गया, इस तरह से आप यूनिट बना सकते हैं, यानी कि मापने की इकाई, आप इसे कैसे मापेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीस में खरीदेंगे, पीस में बेचेंगे, तो हम लोग इसे पीस के तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप कोई चीज़ें केजी में खरीदते हैं तो आपको यूनिट में केजी बनाना है, और केजी में हम लोग आएंगे जब हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको GOT में रहना है, इन्वेंट्री इन्फो में आना है, स्टॉक ग्रुप में आना है और क्रिएट करना है। तो अभी हम लोग है GOT में, आप देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए GOT में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, स्टॉक ग्रुप में जाना है और क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, जैसे मैं बनाता हूँ सैमसंग, तो हो सकता है मेरे पास सैमसंग का ग्रुप पहले से बना हुआ होगा। अगर बना हुआ, देखिए नहीं बना हुआ था तो ले लिया, अगर बना हुआ रहता तो डुप्लीकेट एंट्री बताता। ठीक है, तो सैमसंग का ग्रुप बना लेता हूँ, और इसी तरीके से इसे मैं अंडर डाल दूंगा प्राइमरी। ठीक है, कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस, इसे आपको यस कर देना है इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट आइटम यहाँ पर आप देख सकते हैं नोकिया, तो मैं यहाँ पर चलिए बना लेते एक तो नोकिया अंडर जाएगा प्राइमरी। तो प्राइमरी क्यों डाले, चूंकि ये खुद कंपनी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है पतंजलि, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पतंजलि। अब जो चीज़ प्राइमरी में रहेगा वो चीज़ सबसे पहले आपको दिखेगा, आपको इस बातों का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा सैमसंग पहले ना दिखे, पहले मेरा कंपनी दिखे या स्मार्टफोन दिखे, तो आपको स्मार्टफोन को पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद सैमसंग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो करना क्या है, हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप बना लिया, और आगे भी चल के हम लोग कुछ स्टॉक ग्रुप बनाएंगे जब हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टॉक आइटम का मतलब हो गया आपको मॉडल नंबर बनाना है, अपने प्रोडक्ट का लेजर बनाना है, कैसे बनाएंगे, GOT इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं GOT इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे GOT इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम लोग उसी को लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम देना है, फिर उसके कंपनी का नाम देना है, और फिर उसका साइज़ लिखना है। ठीक है, साइज़ मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 kg हो गया, 1/2 kg हो गया। ठीक है, नंबर में भी साइज़ होता है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। उसके बाद यूनिट की एक पेटी में कितना पीस आता है। ठीक है, तो 1 kg का जितना भी प्रोडक्ट होता है सब 12 पीस का पेटी आता है, 1/2 kg का 36 पीस का पेटी आता है। इस तरीके से हो सकता है कि हर प्रोडक्ट का अपना अपना यूनिट होता है, तो वो आपको बिल में मिल जाएगा, या फिर आपका जो सामान है, जो सामान का जो पेटी है उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आपको MRP लिख देना है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे है सैमसंग S7566, हालांकि ये मॉडल बंद हो चुका है, बट हम बना लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर सैमसंग S7566 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं सैमसंग M30। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर दे देंगे 4/64, यानी 4 GB 64 GB का ये मेरा
सैमसंग का मोबाइल है M30, ठीक है। और इसे हम अंडर डालेंगे क्या, इसे हम डालेंगे अंडर, यहाँ पर दिख रहा है सैमसंग स्मार्टफोन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका लेजर बना हुआ होगा, अगर आपके आप पुराना कंपनी में काम कर रहे हैं तो, और अगर नहीं बना हुआ होगा तो यहाँ पर आप अल्ट सी से क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे सैमसंग स्मार्टफोन। देखिए अभी हम मेरा ये लेजर पहले से बना हुआ है तो डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, तो हम नया ना बना करके हम लोग क्या करेंगे इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सैमसंग स्मार्टफोन आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, तो हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या किए हैं, इसे अगर हमें अल्टर करना है तो कंट्रोल इंटर दबा के आप उसे अल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे हम लोगों ने डाला है अंडर स्मार्टफोन, और ये सब क्या है, ये सब ग्रुप है जो कि हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडर में ये गया है सैमसंग, और इसे हम लोगों ने डाल दिया प्राइमरी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, तो वही सेम चीज़ है, आपको ज़्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। आप नोट्स को लिख ले, नोट्स को डाउनलोड कर ले, उसे लिख ले, तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिट में आपको क्या करना है, पीसेस, अगर आप पीस में परचेस करते हैं पीस में सेल करते हैं तो पीस, अगर आप पेटी में परचेस करते हैं पेटी में सेल करते हैं तो पेटी, लेकिन अगर आप पेटी में खरीदते हैं और पीस में बेचते हैं तो आपको यूनिट पीस ही रखना है, ठीक है। यानी कि किस तरीके से आप परचेस करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, किस तरीके से आप सेल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेट आपको यस करना है कब, जब आप परचेस करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जब आप परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना कॉस्ट प्राइस चढ़ाना है, यानी कि ये सामान आप कितना में खरीद रहे हैं और इस सामान को आप कितना में बेचेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती है जो MRP पे सेल होती है, तो आपको यहाँ पर MRP का रेट चढ़ाना है, बट अगर आप पक्का का काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, GST हटा करके रेट चढ़ाना है, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोसेस ऑफ परचेज में आएंगे, तो ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसे नो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 15,990, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कब परचेस कर रहे हैं आपको वो डेट डाल देना है। तो फिलहाल मैं मान कर चलता हूँ ये मैंने 17/9/2020 को परचेस कर रहा है, ठीक है। तो 15,990, तो यहाँ पर हमको अल्ट सी दबाना है और 15,990 भागा 1.18, ठीक है। 18% का आइटम है फिलहाल, पहले 12% का था मोबाइल, अब 18% में आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग 1.18 करेंगे, ये कि हमने क्यों किया, GST का रेट हटाने के लिए। उसी तरीके से आपको सेल करना है 17,900, आपको कितना में सेल करना है, आपको ये 16,990 में सेल करना है। तो आपको यहाँ लिखना है 16,990 भागा 1. आपको यहाँ पर अल्ट सी दबाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है 16,990 भागा 1.18, यानी कि हम लोग 13,550 रुपये 85 पैसे में खरीदा और इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने सेल करना है 14,398 में। तो इस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं और यहाँ पर ड्यूटी में आपको 9% तीनों में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते ये 7.2 में है फ्री में काम करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके पास ये सामान पहले से है तो आप यहाँ पर उसकी ओपनिंग बैलेंस चढ़ा सकते हैं। हम लोग फिलहाल ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देते हैं 2 पीस, बट जैसे ही आप 2 पीस चढ़ाएंगे तो आपको इसका IBAN नंबर भी चढ़ाना होगा, वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग विदाउट IBAN नंबर के हम लोग 2 पीस का एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर रेट जाएगा क्या, 13,550.84, यानी कि जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस है। तो इस तरीके से आपको लेजर बनाना है आइटम का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक दो आइटम है बना लेते हैं, जैसे नोकिया लुमिया 520, तो यहाँ पर बना लेते हैं। हालांकि नोकिया लुमिया बंद हो गया है तो हम नोकिया 520 बना लेते हैं। और नोकिया क्यों बंद हुआ आपको मालूम होगा कि इन्होंने कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहा, इसलिए दुनिया ने इसे बदल दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बदलाव ज़िंदगी का ही एक पार्ट है, आपको अपने लाइफ में बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर इंसान के साथ ये एक फेज़ आता है जब उसे पूरी तरीके से बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 9% और यहाँ पर 3 पीस 4 पीस मेरे पास पहले से है, क्या रेट से 12,440.60। इस तरीके से आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस चढ़ा सकते हैं हर चीज़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाबर च्यवनप्रास 1 kg का। तो चलिए ये आइटम बना लेते हैं हम लोग, DCP 1 kg इंटू 12 और MRP 260। इस तरह से हम लोगों ने एक लेजर बना लिया डाबर च्यवनप्रास, अब ये जाएगा अंडर डाबर, तो हम लोग इसे डाल देंगे डाबर। अब डाबर का जितना प्रोडक्ट होगा सबको हम लोग इसी के अंडर डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट पीसेस स्टैंडर्ड रेट को फिलहाल छोड़ रहे हैं। रेट ऑफ ड्यूटी मान के चलिए 12% का आइटम अगर है तो 6% और कितना पीस मेरे पास है, ये मेरे पास 3 पेटी है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, 1 kg इंटू 12 होना चाहिए, नॉट 122। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास 6 पेटी पहले से, यानी कि अल्सी दबाते हैं 12 इंटू 6
यानी कि 72 पीस मेरे पास है और 180 रुपये 90 पैसा ग्रेड से, ये रेट से, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, आइटम बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए आपको GOT में इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाना है। तो बाहर निकलेंगे यहाँ से, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसेस का बना रखा है। आपको अगर केजी का बनाना है तो आप क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे केजी, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर फॉर्मल नेम आपको नहीं डालना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेसिमल प्लेस में आपको 3 जरूर लिखना है। इससे होगा क्या, जैसे सपोज दैट कोई सामान आप खरीद रहे हैं जिसका वजन है 25 किलो 690, तो आप क्या करेंगे 25.690 लिखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट चाहिए, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपको 3 रखना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका लेजर बन गया। अगर आप कोई सामान डजन में खरीदते हैं या फिर पेयर में खरीदते हैं तो आप पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारा आइटम होता है जो, जैसे हैंड ग्लव्स हो गया तो ये सारी चीज़ें पेयर में सेल होगी, शूज़ हो गए तो ये सब चीज़ पेयर में सेल होंगे, ठीक है। तो पेयर रखना है, पेयर में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नंबर डेसिमल प्लेस को 0 ही रहने देना है, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ लिया स्टॉक ग्रुप के बारे में, स्टॉक आइटम के बारे में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में। एक वाउचर टाइप क्या है, वाउचर टाइप मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीव जर्नल हम लोगों ने जो चीज़ पढ़े हैं पहले, वो सारी चीज़ें क्या होती है, वाउचर टाइप होती है, और इसके बारे में लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये जो GST टैक्स इनवॉइस होता है ये हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसेस ऑफ परचेस। तो परचेस के बाद जब हम लोग सेल करेंगे तब हम लोग GST टैक्स इनवॉइस भी बनाना सीखेंगे। और स्टॉक एडजस्टमेंट आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, बट उससे पहले आपको मैं अपना होमवर्क बता देता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है।